यहाँ पे कल्चरल परफॉर्मेंसेस का स्टेज है और आज यहाँ पे जस्टिन गिल परफॉर्म कर रहे हैं मेरे पीछे। तो पूछते हैं लखपति दीदी से कि इस स्टोरी के पीछे क्या राज है। आप भी आओ यहाँ से और लखपति दीदी से चीजें लेके जाओ और लखपति बनाए। नंद्रे दैट्स थैंक यू इन साउथ। यहाँ पे आते ही मैंने देखा दीदी को कि ये मेरे साथ मेरे को ये मिली एंड शी वाज वाचिंग आवर वीडियो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जोड़ी ऑन कैमरा। आज हम आए हैं सरस आजीविका मेला में जो कि लगा हुआ है सेक्टर 33A नोएडा हाट में एंड दिस इज़ ऑन टिल मार्च 4। और यहाँ पे बहुत सारा फूड है फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स एंड लॉट्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स। तो यहाँ पे पार्किंग और एंट्री फ्री है, सो लेट्स गो इनसाइड एंड एक्सप्लोर। सो मेरे पीछे जो हम फर्स्ट ऑयल एक्सप्लोर करेंगे वो मेरे पीछे पंजाब का है क्योंकि मुझे बहुत सुंदर सुंदर और कलरफुल सूट्स दिख रहे हैं और दुपट्टा दिख रहे हैं, तो लेट अस गो एंड चेक देम आउट। ए केड़ा किस चीज है? फुलकारी तो नहीं है ना? नहीं, फुलकारी नहीं होता है, इसको पाकिस्तानी दुपट्टे का नाम देता बंदा तो अपने ही। अच्छा, पाकिस्तानी दुपट्टा कितने का है? गए का बहुत चला ना? हाँ, काफी देखते हैं। फेयर में हम बेचे। अच्छा, तो कम से कम 300 पट्टा। अच्छा जी, 50 तो बिल लग गए। वाह जी वाह, तो अच्छा है। तो तुम्हारे को फुलकारी भी हैगी है? फुलकारी बेटा माल होर भी आ जाऊगा। अच्छा, ओके। कितने दे हैगे है वाला सूट? कितने दा ब्लू? 1500। अच्छा, एदे च शर्ट सलवार ते दुपट्टा? 3 पीस हो गया। और एवी सूट है या सिर्फ दुपट्टा ही है? ये सिर्फ दुपट्टा ही है। अच्छा, एदे नाल सूट कोई भी अपना मर्जी डाल सकदे? पता कि लाइट और डार्क कलर सारी है। अच्छा, ए सारे 800 दे हैगे? 900। अच्छा, सारे डिफरेंट कलर्स हैगे तुम्हारे कोल? कोई कलर तो नहीं मिलेगा का डिजाइन देने एक डिफरेंट, हर एक डिफरेंट मिलेगा। हां जी, सो ये दुपट्टा बहुत सुंदर लगा मुझे। दिस इज़ पाकिस्तानी दुपट्टा एंड फॉर 900। और आप देखो कितना सुंदर लग रहा है। और इसके साथ सूट नहीं है तो यू कैन पेयर इट विद एनीथिंग एंड दिस इज प्रिटी। एंड दिस इज़ फुलकारी दुपट्टा, इसकी ये भी बहुत सुंदर लग रहा है। ये भी खोल के देखते हैं, हैंडवर्क है सारा एंड दिस इज़ ऑल फ्रॉम पंजाब। जस्ट लुक एट इट, एक तो इतनी सुंदर हवा और ऊपर से फुलकारी दुपट्टा, क्या मैच है। किन्ने का? 1500 का है जस्ट दुपट्टा। एंड जो सूट्स हैं वो भी 1500 के हैं, 3 पीस सूट्स होंगे जैसे ये ब्लू वाला है। एंड देन देर आर अदर दुपट्टाज ऑल्सो, यू कैन चेक दम आउट हेयर। बहुत सारे डिफरेंट स्टाइल्स हैं, डिफरेंट कलर्स भी हैं इनके पास। सो अ वेरी गुड प्लेस, अ वेरी गुड स्टॉल टू बाई सारी शॉपिंग करने के लिए पंजाबी सूट्स एंड दुपट्टेस के लिए। लेट्स गो अहेड। सो अब हम खड़े हैं उत्तर प्रदेश के स्टॉल के आगे जहाँ पे बहुत सारे मैट्स दिख रहे हैं एंड दे लुक वेरी यूजफुल। इनसे पूछते हैं ये किस किस काम आते हैं। सो नमस्ते भैया। नमस्कार। ये मैट्स क्या है, कहाँ कहाँ के लिए है? बड़े कलरफुल मैट्स आपके पास? ये काटन धागे से बनाए जाते हैं हथकरघा में। अच्छा। और इसको जो है आसानी से वास किया जा सकता है और दोनों साइड ये सेम होता है। अच्छा, इसको आप बेड के साइड में लगा सकते हैं। अच्छा, किचन में, बाथरूम में, या पूजा पाठ के लिए, या कोई नमाज पढ़ना चाहता है नमाज भी पढ़ सकता है। अच्छा, ये जहां आप समझे वहां लगा सकते हैं। अच्छा, ये जूट से भी बना हुआ है, जो खेतों में जूट पैदा होता है। हाँ जी, उसके रेसे निकाल करके जूट से बनाया गया है। हम लोग इसको सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सन। सन, सन। अच्छा, शायद इसको पटसन बोलते होंगे। अच्छा, ये देखो ये रनर है, ये भी बेड के साइड में लग जाता है और बहुत मजबूत चीज है। ये कितने का है? ये इसकी जो चौड़ाई है ये है 2 फीट और ये 550, नीचे है चौड़ा ज्यादा वो है 650। अच्छा हाँ, और ये काटन से बना हुआ, ये 2x4 फीट का है, 550 का। अच्छा जी। इसको भी आप दोनों तरफ से इस्तेमाल कर सकते हैं, एक ही जैसा दिखेगा। हाँ। मशीन से वास कर सकते हैं। अच्छा ठीक। इसके अलावा और भी मैट है छोटे, जैसे कि केवल 150। अच्छा ठीक है। दिस कैन बी यूज्ड इन फ्रंट ऑफ बाथरूम या आपको कहीं भी हल्का ढीला करना हो, कहीं भी आ सकते हैं। ये 200 वाला देखिए, इसकी थिकनेस ज्यादा है। हाँ, ये 200 का, ये स्क्वायर में बनाया गया है, बैठने के लिए स्पेशल है। अच्छा, जैसे बैठ सकते हैं पाठ पूजा के, पाठ पूजा के लिए जैसे लोग यूज करते हैं जी, खड़े होने के लिए, ठंड है तो नीचे रख के बैठ जाए। ये कितने का? 200। मैडम इसके अलावा बड़े साइज इधर है। अच्छा, अंदर बड़े साइजेस भी हैं इनके पास। देखिए ये 2x6 फीट है।
अच्छा, ये भी बेड के साइड में लगता है, बैठ के तीन चार लोग खाना भी खा सकते हैं। हाँ, हाँ, मंदिर और गुरुद्वारे के सामने भी डाल सकते हैं। हाँ जी। ये 4x6 फीट है। ये कितने का भैया? ये 650 का, ये 750 का। अच्छा। ये 3x5 है, ये भी 750 का है। अच्छा। 4x6 वाली साइज में 5-6 क्वालिटी है। एक ये आएगा सॉफ्ट आइटम, ये भी यही साइज है। अच्छा। लेकिन इसका रेट 1500 रुपया है। अच्छा, देखिए ऐसे क्यों? ये बहुत सॉफ्ट है, देखिए। हाँ। है बहुत अच्छा, अच्छी ये सॉफ्ट है इसलिए 1500। हाँ, और हैवी भी है, और ये 750 का है। हाँ, ये वाला 750 यही साइज है, देखिए 4x6, ये 2500 रुपये का। अच्छा, बहुत ही इसमें डिजाइन बनाया गया है, हैंड वर्क बहुत ज्यादा है। एक और सामने लगा हुआ, ये भी 2500 रुपये का, बहुत अच्छी क्वालिटी है। ओके जी जी, तो आप डिस्काउंट दे रही हो इन पे? हाँ, डिस्काउंट दे देते हैं, कस्टमर संतुष्ट हो जाते हैं। ये साइज है 6x9 फीट। अच्छा, रूम में आप डाल सकते हैं, बहुत एरिया कवर करेगा, 6x9 फीट। ठीक है जी। ये कितने का 6x9 वाला? ये रेट है 4000 रुपया। अच्छा, कस्टमर की आदत है बार्गेनिंग करने की, तो 100-200 इधर उधर हो जाते हैं। अच्छा, एक ये साइज है, डायमंड बने छोटे छोटे, ये 6x8 फीट। अच्छा, इसकी मोटाई ज्यादा, ये भी 4000 रुपये का है। अच्छा, ये 4000। जी हाँ, तो इसी तरीके से बहुत सारे साइज हैं। हाँ। बहुत सारे डिजाइन हैं, सब जन घरों में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं। राइट राइट जी। और तो ये इन्होंने मैट्स दिखाए, काफी अच्छे मैट्स है जो पूजा के लिए, पाठ करने के लिए यूज हो सकते हैं। दे कैन बी केप्ट बिसाइड योर बेड और किचन के बाहर, बाथरूम के बाहर, तो बहुत यूजफुल है। यू कैन कम एंड चेक देम आउट। तो अब हम खड़े हैं राजस्थान के स्टॉल के आगे, और यहाँ पे बड़े अच्छे कंटेनर्स दिख रहे हैं, दे वेरी ब्यूटीफुल। लुक एट दिस ट्रे, आप ये यूज कर सकते हो टू सर्व थिंग्स, जब कोई घर आए, कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, कुछ डाल दिए। ये कैसे है भैया? 1000 की ये पूरी सेट, पूरा सेट। अच्छा, और अच्छा, ये ज्वेलरी बॉक्स, वाह, ये सब हैंड पेंटेड है। ये कितने का? ये 600 फॉर दिस। ये अलमारी है। अरे वाह, ये देखो अलमारी, आप इसके अंदर अपनी इयररिंग्स या कुछ भी स्टोर करना हो, छोटे टिटबिट्स, निक नेक क्लिप्स, तो ये कितने का? ये 600। अच्छा, ये भी 600 का, ये भी 600 का। ओके, ओहो वाह, ये तीन, वेरी नाइस। ये 12, 9 पीसेस, 9 सेट का है। ये 3000, ये 3000 का है। एंड आप कुछ भी यूज करने, ये खोलना ऐसे है? अच्छा, ऐसे खोलना होगा। अच्छा, ये इन्होंने स्टिक करने के लिए, प्रॉपर लॉक करने के लिए ये दिया हुआ है। एयरटाइट कंटेनर्स हैं ये, ड्रॉअर है। अच्छा, और ये वाले ड्रॉअर्स भी हैं ऐसे? 700 का, 6। हाँ, ये 6 खानों का है और 700 का है ये। ओके, वॉल प्लेट। ओके, ये आप यहाँ से हैंग भी कर सकते हो वॉल में। ये कितने की भैया? ये 500 की दे रहे हैं। इन सब पे आप डिस्काउंट दोगे ना? डिस्काउंट दोगे 20%? तो इनकी सारी कलेक्शन पे 20% डिस्काउंट है। और ये शीशा, हाँ, ये कैसे? ये 600 का। तो आप भी यहाँ पे आओ और एक्सप्लोर करो ये सारी चीजें। दिस इज राजस्थान का स्टॉल, स्टॉल नंबर 7। अब हम खड़े हैं लखपति दीदी के स्टॉल के आगे, जो की है उड़ीसा से। तो इनके पास जाते हैं, देखते हैं ये क्या क्या ऑर्गेनिक हर्ब्स एंड स्पाइसेस दे रही हैं, एंड व्हाई इज शी कॉल्ड लखपति दीदी। सो पूछते हैं लखपति दीदी से कि इस स्टोरी के पीछे क्या राज है। हेलो, नमस्ते जी। नमस्ते। तो ये आपके क्या क्या है आपके पास? हमारे पास उड़ीसा के जो हम फूड और स्पाइसेस लाए हैं उड़ीसा से, तो हमारे पास तो ये सब आइटम है, हल्दी है, मसाला, सब मसाला है। और खाने के लिए ये उड़ीसा का स्पेशल चावल और गुड़ से बना हुआ पीठा है। इसको क्या कहते हैं? इसको हमारा उड़ीसा में आरिसा पीठा बोलते हैं, और यहाँ तो कोई अरसा में समझते हैं और कोई अनारसा में भी समझते हैं। अच्छा। हाँ। तो ये कितने का पैकेट है? वो 300 का, 1 किलो 300 का। अच्छा, और ये क्या है? ये बड़ी है, उड़द दाल का मसाला बड़ी है। अच्छा। हमारा उड़ीसा में जो स्पेशल होता है, पखाड़ होता है ना, पखाड़ के साथ ये बड़ी चूरा बना के हम खाते हैं। और जहाँ जो भी उड़िया है यहाँ पर, ये तो हमें ढूंढ ढूंढ कर आकर ये लेते हैं। हाँ, अच्छा। और कुछ इस जगह की लोगों को भी हम पिछले साल दिए थे, वो भी खाने का मजा पा गए ना, तो वो भी आके ले जाते लेने आ रहे हैं। वाह। और जो लखपति का, जो लखपति दीदी, हाँ, का स्टोरी क्या है? स्टोरी का मतलब ये कि पिछले साल हम यहाँ आए थे और हमें, हमारा नंबर कुछ लोगों ने लिए थे,
और इस बार 2 महीने पहले हमें सब फोन शुरू किए हैं, आप आओगे कि नहीं, आओगे कि नहीं, अगर आओगे तो हमारे लिए ये सामान सब लेके आना। और अच्छा। लिस्ट एक भेज दिए हैं हमारे अच्छा। पास 2-3 कस्टमर तो ऐसे ही 20,000-30,000 ऐसे ही लिस्ट भेज दिए अच्छा। तो 3 दिन जो 16-17-18 3 दिन में हमारा 1 लाख क्रॉस कर दिया, इसलिए हमको लखपति दीदी। सो स्टोरी देखो, इट इज ऑल बिहाइंड द क्वालिटी ऑफ स्पाइसेस दैट शी सेलिंग। इतनी अच्छी चीजें ये दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं सबको, दैट लोग पहले प्री ऑर्डर्स दे के सामान मंगवा रहे हैं, एंड दैट्स व्हाट मेड हर लखपति। सो द क्वालिटी मैटर्स। और चीजें देखते हैं इनके पास क्या क्या है, ये कैसे है टामरिंड? ये सीडलेस इमली है। हाँ जी, ये हम सब बनाते हैं। हमारा जो प्रोड्यूसर ग्रुप में 30 मेंबर्स जो है महिलाएं हैं, सब हम महिला समूह मिलकर ये बनाते हैं। सब इसका सीड निकालते हैं, उसका जो धागा निकालते हैं सब निकल कर ये बनाते हैं। हम केक बनाते हैं। ये कितने का पैकेट है? 150 500 ग्राम का। 500 ग्राम का। हाँ। अच्छा, और ये वो है अलसी? हाँ, अलसी फ्लैक्स सीड भी बोलते हैं। हाँ, फ्लैक्स सीड। हाँ, ये 500 ग्राम का 100 रुपए। अच्छा। लोग कोई कोई ये 100 ग्राम को 50 रुपए लेते हैं, लेकिन हमारा 500 ग्राम को 100 रुपए। अच्छा, और ये इलायची का क्या रेट है? इलायची 100 ग्राम 250 में हम भेजते हैं। अच्छा, ये देखिए, ये वहाँ का लोकल का है। अच्छा। ये दिखने के लिए खराब लगता है, लेकिन इसके अंदर देखिए बीज बहुत बिल्कुल अच्छा रहेगा, ब्लैक भी रहेगा। ये आप मुंह में भी डालें। अच्छा। बहुत अच्छे है। और ये दालचीनी है। हाँ, ये दालचीनी है। ये कितने की है? 100 ग्राम 250 की है। अच्छा, ये 100 ग्राम 250 की दे रहे हैं, और ये कैसे है? ये 100 ग्राम 100 रुपए की है। अच्छा, और इसमें और दिल्ली वालों में क्या फर्क है? यहाँ का रेट तो मुझे मालूम नहीं। नहीं, रेट नहीं, क्वालिटी में। क्वालिटी तो हम तो अच्छे से अच्छे साफ करके लाते हैं, और वहाँ का जो हमारा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हम लाते हैं, ऑर्गेनिक है ना, इसीलिए तो लोग जो पिछले साल लिए थे वो सब ढूंढ ढूंढ कर आते हैं। क्या रहे हैं तो इनके पास रिपीट, ये सब देखकर हमें लगता है कि हमारा चीज अच्छा है। तो ये तो गुडविल भी हुई और चीजें भी अच्छी हैं, क्वालिटी इज व्हाट मैटर्स। तो आप भी आओ यहाँ से और लखपति दीदी से चीजें लेके जाओ और लखपति बनाओ। सो गाइज, अब मैं खड़ी हूँ स्टॉल के आगे, जहाँ पे बहुत सुंदर और कलरफुल बेडशीट्स दिख रही है। यू हैव अ लुक हियर, ये इतने सारे बैग्स हैं और बेडशीट्स हैं और बहुत अच्छी कलरफुल चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आते ही मैंने देखा दीदी को कि ये मेरे साथ, मेरे को ये मिली, एंड शी वाज वाचिंग आवर वीडियो। तो दीदी आप बताओ, ये बेडशीट्स बहुत सुंदर है, ये कितने की है? ये वाले एक्चुअली स्टार्टिंग रेट लाइक 1800। ओके, बट मैं यहाँ पर ऐसे समझो कि सेकंड टाइम हूँ। हाँ, I got last year first prize for best handicraft award. Wow. So I'm very exciting to come here one more time. Okay. और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर मैं आई हूँ। ये वाला मैं चीज देना चाहूँगी 1400 only. Okay. तो ये दिस इज आफ्टर डिस्काउंट? या आफ्टर डिस्काउंट। अरे वेरी नाइस। तो ये बहुत अच्छे अच्छे है, और ये क्या कॉटन है? या ये खादी कॉटन है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी नेचुरल ऑर्गेनिक फैब्रिक है, एंड वेरी गुड टू गुड फॉर बेड्स एंड टू स्लीप ऑन। और ये बैग्स कैसे हैं? बैग्स दैट वन 250 ओनली, बट आई एम गिविंग यू 200। अच्छा, सो ये दिस इज फॉर 200। जस्ट लुक एट इट, कितना प्रिटी क्लच है, जो आप वेडिंग्स पे भी लेके जा सकते हो। एंड सिमिलरली दे हैव दीस बिग बैग्स आल्सो। ये कैसे दीदी? कुछ ओकेशन फंक्शंस में। हां, ये कैसे? 450 400 400 एंड ये 300। दिस इज फॉर 300। वेरी प्रिटी बैग्स। और ये क्या है? वो भी बैग्स। अच्छा, ये भी बैग है। ओह वाह, तो फॉर द कॉलेज गर्ल्स एंड जिनको रेगुलर बाहर जाना होता ही उनके लिए। ये कैसे है? 250। सो प्रिटी कलेक्शन। देन आई कैन सी दिस प्रिटी पोटलीज। ये कैसे है? 200 ईच। सो बहुत अच्छी कलेक्शन है। यू कैन कम एंड चेक दिस आउट और गो फॉर द बेड शीट्स। दिस इज जस्ट बिहाइंड मध्य प्रदेश राजस्थान स्टॉल, लेट्स गो अहेड। और यहाँ पे हम आए, यहाँ पे कल्चरल परफॉर्मेंसेस का स्टेज है, और आज यहाँ पे जस्टिन गिल परफॉर्म कर रहे हैं मेरे पीछे।
अब हम खड़े हैं गोवा के स्टॉल के आगे जो है G12 इज द नंबर, और यहाँ पे बहुत सुंदर शेल की बनी चीज़ें दिख रही हैं, तो देखते हैं। तो हेलो आंटी। हेलो। ये क्या क्या आपके पास शेल का है? बहुत एक गोवा का स्पेशल शेल है, गोवा के बहुत सारे मैंने आइटम मैं खुद बनाती हूँ। ये गोवा का टॉर्टोज है, वो मैग्नेट वो फ्रिज को लगाने के लिए ये वाला। अच्छा। ये डबल डबल इसका बेबी के साथ है, वो टेबल पर रखने के लिए। And mama tortoise. ए की रिंग है। अच्छा। और शेल ये कैसे है, कितने का है? ए 80 रुपीस का है, 50 रुपीस का है। okay. एक टॉर्टोस के कीचेन भी है। अच्छा, ये कितने का? ए 50 रुपीस का। बड़ा मॉडर्न टॉर्टोस है, विद स्पेक्स ऑन, काफी टीवी देखता है। ए रैबिट बनाया, देख। रैबिट रैबिट और मेंढक बनाया। ये दिस इज 50 80 रुपीस। अच्छा, दिस इज ऑल 80 रुपीस। ये दे हैव अ डॉग आल्सो, बड़ी प्रिटी चीजें बनाई है ये। और ये आंटी ये जो शेल्स बड़े हैं, अच्छा ये दिस इज नॉट शंख बिकॉज यहाँ पे होल नहीं है तो नहीं कर सकते इससे, बट आंटी से पूछती हूँ इसका प्राइस क्या है। आंटी ये क्या है? ये ब्लोइंग शंख है। ब्लोइंग है? ब्लोइंग है, मैं बजा के दिखाती हूँ आपको। बजाइए जरा। अच्छा, कैट है। ये कैट, ये कितने का है? 80 रुपीस का। अच्छा, ये सारा ऐसा सामान 80 का है। एंड दिस इज लुकिंग वेरी वेरी प्रिटी, एंड दे हैव सच प्रिटी की चेन्स आल्सो, जो आप अपनी कार की कीज, घर की कीज, किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। एंड लुक एट दिस, सो प्रिटी, वेरी नाइस। सो शेल्स का प्रॉपर यूज तो आंटी करके दिखा रही है। और शो पीस 100 रुपीस। ये भी शो पीस है फॉर 100 बक्स। और आंटी अभी बता रही थी कि ये भी इन्होंने फ्लावर्स रियल शेल के बनाए हैं अभी। एंड शेल की पाउडर जो बचता है ना वो हाँ। पीस के वो लगाते हैं। अच्छा, शेल की पाउडर है। ये क्या प्राइस है आंटी? नहीं, ये 350 का पॉट है, ये 80 रुपीस एक स्टिक है। एक स्टिक, ओके। सो क्यूट चीजें हैं, बहुत सुंदर चीजें हैं। और ये क्या आंटी? ये कर्टन है, दरवाजे पर लगाते अच्छा, हैं ना, हाफ कर्टन। ओके ओके, तो गोवा में ये लगता होगा ना काफी घरों में। हां हां हां, ये गोवा के घरों में कम रहे हैं ना। 12 स्टिक। अच्छा, और ये आंटी मिरर कितने का? मिरर 600 का है, 350 का है। और कोकन, गोवा का कोकोनट पेड़ होता है ना, उसका देख शेप बनाया। अच्छा, ये वाला। ओह, कोकोनट ट्री। अच्छा, उसमें भी मिरर आपने लगाया हुआ है? मिरर लगा हुआ है। वो कितने का है? 350 का। 350। और यहाँ पे बहुत सुंदर ज्वेलरी भी रखी हुई है आंटी ने। दे हैव दीज ब्रेसलेट्स। ये कैसे आंटी? ये गोमती चक्र बोलते हैं ना, वो गोमती चक्र का ये ब्रेसलेट बनाया है। ये लक्ष्मी का बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मतलब हाँ। इसमें वो करते हैं ऐसे से हाँ, पढ़ते हैं हाँ। अच्छा, ओके। तो ये टेबल मैट के लिए हुआ। ये कितने का आंटी? ये 100 के। ये टेबल मैट्स है, ये देख, एक इसका 350, 250 एंड छोटा 100 रुपीस। अरे वाह, एक सेट आता है। और तो आप इस पे डिस्काउंट देते हो? हाँ, डिस्काउंट देते हैं। मांगा तो वो 700 होता है, तो मैं 650 तक दे सकते हैं। अच्छा। और उसके ऊपर ये सेंटर में आपको फ्लावर पॉट भी रखा तो बहुत अच्छा दिखता है। हाँ। उसके लिए ये भगवान की मूर्ति रखते हैं ना, उसके लिए भी यूज करते हैं। ओके। वॉशेबल है, वॉश भी कर सकते हैं। अच्छा, ये वॉशेबल है? वॉश निकल नहीं जाएंगे? नहीं निकले नहीं, वो फाइबर प्लास्टिक धागे से बांधा है। अच्छा, ठीक। तो बहुत सुंदर कलेक्शन है आंटी के पास। आप आओ G12 गोवा and do lots of shopping. So, अब मैं खड़ी हूँ G10 stall number के सामने जो है जम्मू का, और यहाँ इतने सुंदर tops और colorful and very good sequined blouses, dresses, सब कुछ मिल रहा है जो आप party में पहन सकते हो. Let's check the collection. ये क्या क्या है? ये बीट से बना हुआ है, ये प्योर हैंडवर्क है सारा। अच्छा, ये इसका रेट 650 का आएगा। 650, ओके। और ये जो पीछे टॉप्स है ये बहुत आई कैची है, ये क्या? ये भी पार्टी वेयर के लिए बनाए गए हैं, प्योर हैंडवर्क किया जाता है, इस पे नेट के ऊपर वर्क किया जाता है। अच्छा, ये नेट पे वर्क किया हुआ है। तो ये कैसे हैं, इनका प्राइस क्या है? ये 1500 का आएगा। अच्छा, कोई भी 1500 का मिल सकता है। और ये जो सामने ड्रेसेस है ये 2200। ओके, तो ये भी ये तो नेट पे नहीं है, ये किस पे? ये शिफॉन के ऊपर वर्क किया जाता है। अच्छा, तो इस पे डिस्काउंट्स भी होंगे? हाँ, थोड़ा डिस्काउंट हो जाता है। अच्छा, ये डिस्काउंट भी देंगे तो। और ये बहुत प्रिटी ड्रेसेस हैं फॉर द पार्टी गर्ल्स, एंड देन दे हैव दीज बैग्स आल्सो। ये कैसे है भैया? ये 650 का है। 650, ये भी सब पार्टी, आपका सब पार्टी कलेक्शन ही है? पूरा पार्टी वेयर कलेक्शन है। वेरी नाइस। और ये जो पोटली है वो 650 की है, वो भी। अच्छा, वो भी 650। और ये सब क्या पड़ा आपके ये पास? बन पीस है, टॉप है, पंचो है, पार्टी वेयर बच्चों के लिए। अच्छा, पंचोस भी है? प्योर हैंडवर्क आते हैं। पंचो दिखाइए कोई।
सिंपल ड्रेस पे, प्लेन साड़ी पे, प्लेन सूट पे, वन पीस पे, गाउन पे, किसी पे भी डाल सकते हो। ये कितने का है? 850 का आएगा। अच्छा, ये पार्टी वेयर टॉप आएगा जींस वगैरह पे पहनने के लिए। हां, कोई भी इनर पहन के यूज कर सकते हो आप। राइट, और ये कितने का है? ये 1500 का आएगा। अच्छा हां, आप ये वाले टॉप्स तो आपने बताए 1500 के। ये भी पार्टी वेयर टॉप आएगा। ओके, प्योर हैंडवर्क है सारा। अच्छा, तो ये आपने काम कहाँ किया है सारा? ये वैसे तो आगरा का है, पर ट्रेनिंग देने जम्मू गए थे। अच्छा, जम्मू में ट्रेनिंग दी है, बाकी जो गर्ल्स होती हैं उनको ट्रेनिंग देके बनवा के यहाँ सप्लाई करते हैं। अच्छा, आगरा से जम्मू गए थे ट्रेनिंग देने। ओके ओके, और ये जो सामने ये ड्रेसेस हैं, ये ब्लाउज क्या है? ये नीचे वन पीस है, ऊपर भी शॉर्ट वन पीस आते हैं टॉप में। अच्छा, इनका क्या प्राइस है? नीचे वाला 2500 का है वन पीस के अंदर, और वो 1800 का आएगा, 1800 हाफ स्लीव में। वेरी नाइस। सो भैया के पास बहुत सुंदर कलेक्शन है पार्टी वेयर, विच यू कैन कम एंड चेक, और ये डिस्काउंट भी दे रहे हैं, तो डोंट मिस एंड कम अर्ली। सो अब हम खड़े हैं जम्मू कश्मीर के स्टॉल के आगे, और यहाँ पे बहुत सुंदर और प्रिटी डिजाइंस के दिख रहे हैं पोंचूस, जो मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, सो वी डिसाइडेड टू कम हियर। इनसे पूछते हैं उनके प्राइसेस। हेलो भैया। हेलो मैम। तो ये पोंचू बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, ये कैसे हैं? ये 1250 है मैम। अच्छा, ये किसके? वूलन की है? ये वूलन है, इस पे जो वर्क है ये आरी वर्क किया हुआ है। अच्छा, ये देख लीजिए मैम। अच्छा, ये देख लीजिए, ये फ्री साइज है, कोई भी यूज कर सकता है इसको। ओके, ये देख लीजिए मैम, ये पूरा आरी वर्क है इसका। वेरी नाइस। ये कितने का आपने बताया? 1250। 1250, हां जी मैम। अच्छा, और क्या क्या आपके पास? हमारे पास साड़ियाँ भी है, कानी की साड़ी है ये। अच्छा, ये साड़ी है? ये कश्मीर से बनती है, ये कानी की साड़ी, ये हमने एक नया ये बनाया कानी के ऊपर, कानी का शाल आता है। हाँ? वो 50,000, 60,000, 80,000, 1,00,000, 1.5 लाख, इसके हिसाब से, उसी के हिसाब से हमने अब कानी साड़ी भी बनाई। अच्छा, क्योंकि इस पे ना क्या, इसको जो कानी शाल की खूबसूरती है, अब औरतें जब कानी की साड़ी पहनेगी वो और खूबसूरत बन जाएगी। तो इसके अंदर ब्लाउज और इसके अंदर ब्लाउज है, सब कुछ है। तो ये कितने की है? ये 6.5 मीटर की साड़ी है, ये लगभग 7,000 रुपए की साड़ी है। अच्छा, और ये मसलिन में बनी हुई है। ओके, मसलिन कपड़े पे बनी हुई है। तो ये कश्मीर में पहनती हैं गर्ल्स साड़ियाँ? नहीं, एक्चुअली हम ये यहाँ के लिए, वहाँ पे तो साड़ियाँ कम यूज करते हैं सर्दी की वजह से। हाँ। सर्दी है वहाँ पे, और वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ पे कपड़े पूरे सूट्स वगैरह पहनते हैं। राइट। तो यहाँ के लिए हमने ये, क्योंकि हमारा जो कारोबार है यही पे बाकी स्टेटों में चलते हैं। राइट। तो इसके लिए हमने ये चीज बनाया। बहुत प्रिटी है। और ये क्या क्या है? ये कोट है मैम। कोट? अच्छा, ये कोट है, ये वेलवेट पे हमने बनाया। Oh. इसका एक आता था आरी वर्क में, अब ये वेलवेट पे बना हुआ कोट है। अच्छा। और इसका जो ये दूसरा कोट है ये वूलन में है। हाँ। और इसका जो कॉटन भी आता है, कॉटन बेस। अच्छा। कॉटन टच है इसमें। तो ये कितने, आप कितने ये, का आप है? ये 4500 है, और ये भी सेम प्राइस है इसी। अच्छा, का okay. जी मैम, 4500। हाँ, ये वुमेन के लिए, हमारे इसमें ज्यादा ज्यादा मिलेगा वुमेन के लिए, और जेंट्स का जो शॉल आता है वो भी मिलता है, जेंट्स का शॉल, जेंट्स की स्वेटर मिलती है, और ये फेरन है। अच्छा, ये फेरन है, ये कैसे जो है? इस साल मुझे लगता है सबसे ज्यादा बिका है फेरन, तो सब ले रहे हैं, सब ले रहे हैं। हाँ। यहाँ पे जो भी हमने देखा वो बोल रहे हैं हमारे पास तीन तीन चार चार है, और भी चार ले रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये एक खूबसूरत ये है, ड्रेस है। बिल्कुल। ये कितने का है? ये 1250 इसमें स्टार्टिंग प्राइस है। अच्छा। और स्टिल 6000 का भी मिलता है, 10000 का भी। अच्छा। मिलता है, पश्मीनी का फेरन आता है वो 40000 का भी होता है। ओके, और वो जो लास्ट में है वो क्या है? ये पोंचू है मैम। अच्छा, ये भी पोंचू है, पोंचू इस पे फर है। ये हाँ, इस पे फर लगा हुआ है, और इसमें ये जेब है। हाँ, जी मैम। और ये प्योर वूल पे बना हुआ है। अच्छा, ये कितने का है? ये 2250। अच्छा, ये दिखाएंगे एक बार आपने? बिल्कुल मैम, 1250 का। 1250। अच्छा, 2250। सो कितना बहुत है? सुंदर है, ट्राई भी कर सकते हो आप, देखोगे कि ये कितना सुंदर है। दिखाइए, मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे इसकी कुंडी लगी हुई है। अच्छा, ये निकालना है। हाँ, और आप लगा के देख लीजिए। ओके, ऐसे ऐसे। अच्छा, ऐसे ही ऐसे ही कंधे पे डाल दो, मैं दिखाऊंगा। ओके, इधर आ जाए बराबर यहाँ पे। एक मिनट, एक मिनट, आप इसका ऐसे ही सही करें। How is it looking? Pretty? क्या कहते हो, कमेंट्स में बताओ, लूँ या नहीं? अभी हमें 2 ही दिन हो गए यहाँ पे, इसके मैंने 10 पीस लाए थे। Wow. अब ये एक पीस और ये है, और एक पीस रेड है इसका।
अच्छा, ये पीस बचा हुआ है, बस यही दो पीस है। एक्चुअली हम आज पूरा दिन ये डिस्प्ले कर रहे थे, अभी अच्छा। हम डिस्प्ले कर रहे हैं क्योंकि हम सूरजकुंड से डायरेक्ट इधर आए हैं। अच्छा, ओके। हाँ जी मैम, अब क्या है कि कल हम ये इधर लगाएंगे, मैंने सुबह रखा था इधर, इसके 8 पीस बिक गए एक दिन में। वाह, अब ये 2 पीस बचे हुए, ये पीछे लगे हुए थे, तो सुंदर ही बहुत लग रहे हैं, तो बिकेंगे तो बिल्कुल। सो ये है स्टॉल नंबर G22 G22, और यहाँ पे जो मैंने अभी पोंचो पहना था ये बहुत स्मार्ट लग रहा था, और माय हस्बैंड इज गोइंग टू गिफ्ट इट टू मी वेरी सून, अभी लेके देना है उन्होंने, और वो कह रहे थे कि अभी सिर्फ 2 पीस बचे हैं, और भी सामान आना है, तो बहुत सारा सामान है, आप आओ इधर, एवरीथिंग इज वेरी प्योर और ओरिजिनल सामान है, एंड कम एंड शॉप हियर। ये देख लीजिए, ये ले लिया मैडम ने, ये आखिरी पीस बचा हुआ था, ये ले लिया मैडम, दिस इज माइन। सो अब मैं खड़ी हूँ स्टॉल नंबर G25 के आगे, जो की है वेस्ट बंगाल से, और यहाँ पे बहुत सुंदर कलेक्शन दिख रही है चीजों की, और दिस इज ज़ाइलोफोन फॉर किड्स, ये कैसे आंटी? 300 फॉर 300, ओके, और 150, अच्छा द स्मॉलर वन, 150, 200, ओके, ये कार्स, ये किसकी बनी हुई है सारा कुछ? मतलब ये वुडन है, क्या है, वुड है? है, ये सब वुड वर्क है, ओके, और ये पाउच कैसे है? वो पेंसिल बॉक्स, अच्छा पेंसिल बॉक्स, अच्छा ये बैम्बू का है, बैम्बू का, सो दिस इज द पेंसिल बॉक्स, ज्वेलरी बॉक्स, अच्छा ज्वेलरी बॉक्सेस भी है, ओके, ये कितने का है? और 150, ओके, 300, अच्छा ये 300 का, बल्डिंग का, ओके, ज्वेलरी बॉक्सेस हैं, और कटरी है, अच्छा, और के लिए कमन के लिए, हाँ, ये कितने का है आंटी? वो 200, ओके, वो 150, अच्छा, 150, वो 150, ओके, वो 100, अच्छा अच्छा, ये क्या है? ये क्या है? वो अगरबत्ती, अच्छा अगरबत्ती स्टैंड, अगरबत्ती, ओके, अरे वाह, ये क्या सजाने के लिए है ना? है, है, अच्छा है। ये कैसे आंटी? 150 ईच, वो पास है 100, अच्छा, बैग है 400, ये 400, है 400, ओ प्रिटी, लुक एट द स्पेस, ये वाला बैग है अलग अलग दाम से, अच्छा ये वाले अलग अलग दाम से, ये कितने का है? 150 है, अच्छा 200 है, ओके, 3 है, ठीक है, 350 है, अच्छा अच्छा, 100, ये क्या है, कहाँ लगाते हैं, दीवारों पे? है, अरे वाह, सो योर वॉल डेकोरेटिंग, योर वॉल बहुत सुंदर लगती है ये वॉल्स पे, ये दिस इज फॉर 400, फ्रूट बास्केट, ये कैसे आंटी? 400, ये भी बहुत सुंदर है, अच्छा, सो अच्छा, इसको आप ऐसे बना के पैक करके रख सकते हो, अरे वाह, दिस इज समथिंग न्यू, वेरी नाइस, एंड दिस विल बी ओपन्ड लाइक दिस, नीचे खोल के, एंड देन स्टैंड भी है इसके, वेरी नाइस, ये कैसे 400, राइट, ओके, फ्रूट कुछ भी रख दे, फ्रूट, हाँ, सो बहुत सुंदर कलेक्शन आंटी के पास, वेस्ट बंगाल से है, वुडन भी है और बैम्बू की चीज़ें भी हैं, आप आओ और यहाँ से सामान ले लो। अब मैं आ गई हूँ फूड कोर्ट, और अब हम ट्राई करने वाले हैं आंध्र प्रदेश की बिरयानी, पीछे हांडीज दिख रही हैं आपको, पीछे देखते हैं उनकी बस कौन सी तरह की बिरयानी है, डिफरेंट वेराइटीज, एंड खाते हैं। सो ये इनका मेन्यू है, यहाँ पे है चिकन मटका बिरयानी, मटन मटका, प्रॉन मटका, मिक्स नॉन वेज बिरयानी, चिकन मील्स, मटन मील्स, एंड देन दे हैव द स्टार्टर्स विच इज बारबेक्यू चिकन, प्रॉन, फिश, क्रैब, क्रैब भी है, वाओ। सो मधुबाला जी अब हमें बताएंगे इनके पास कौन सी बिरयानी है और बारबेक्यू में क्या क्या है, और पीछे बहुत शोर आ रहा होगा, जस्सी गिल की परफॉर्मेंस हो रही है, तो प्लीज बेयर, नाउ लेट्स गेट टू हर। हेलो, हाय, आप बताओ क्या क्या आपके पास? आज बारबेक्यू है, चिकन, फिश, प्रॉन, फिश में पॉम्फ्रेट है, मैकरेल, एंड शोरमा भी है, और चिकन भी है। दिस इज व्हाट? चिकन, chicken, okay, chicken, so they have a lot of barbecue, and let us ask her ki hame kya try karna chahiye, what should we try, what is the best thing? Chicken biryani try karo, ha, chicken hai, prawn hai, mutton bhi hai, and what do you suggest, sabse achhi kaun si hai? Chicken, so let's have chicken biryani and try it, so my chicken biryani is ready, aur kholte hain. तो आप डालते हैं चिकन बिरयानी,
और शेयर करती हूँ मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू विद यू ऑल। सो चिकन बिरयानी ट्राई करते हैं। इन्होंने मेरे को दिया है सालन, रायता एंड बिरयानी। वेरी गुड, इट्स वेरी नाइस, टेस्टी है, थोड़ी मिर्च ज्यादा है, मैं मिर्च कम खाती हूँ, सो इट्स जस्ट दैट कि मुझे थोड़ा ज्यादा लग रहा है स्पाइसेस, अदरवाइज इट्स वेरी टेस्टी। यू मस्ट कम एंड ट्राई दिस चिकन बिरयानी। अब हम खड़े हैं महाराष्ट्र के स्टॉल के आगे। यहाँ है फेवरेट इनका वड़ा पाव, इनका फेमस, एंड देन पूरी पूरन पोली, थाली पीठ, कांदा पकौड़ा, वेज पुलाव एंड मुंबई स्पेशल मिसल पाव। ये मिसल पाव है, महाराष्ट्र स्पेशल। अच्छा, ये पाव, ये क्या होता है? अच्छा, ये नमकीन है। अच्छा, ओके। उसमें मटकी की सब्जी और ये आपको मिक्स करके देते हैं, उसके साथ दही, अच्छा, प्याज व्याज सब डाल के देते हैं। अच्छा, तो ये चाट की तरह बनता है? हाँ। चाट है ये? हाँ। अच्छा, वड़ा पाव और मिसल पाव महाराष्ट्र फेमस है। इसके साथ हमारे पास पूरन पोली है। अच्छा, ये भी मीठा होता है? हाँ, गेहूँ और चना और गुड़। अच्छा, ओके। ये थाली पीठ। अच्छा जी, मराठी में उसको दही दपाटे बोलते हैं। ओके। और ये वड़ा पाव। वड़ा पाव, ओके। तो आप वड़ा पाव हमें बना के खिला दो। सो हेयर इज माई वड़ा पाव। ये इन्होंने वड़ा पाव दिया है, साथ में इन्होंने अकॉम्पनीमेंट्स में दिया है चटनी, मसाला एंड ग्रीन चिली। तो थोड़ा सा ट्राई करती हूँ मैं। डिलिशियस, बहुत टेस्टी है। सो अब मैं खड़ी हूँ तमिलनाडु के स्टॉल के आगे, एंड यहाँ पे बहुत सारे डोसास दिख रहे हैं एंड उत्तपम्स, एंड दे हैव बनाना भाजी, चिली भाजी, देन वड़ा, इडली, इडली एंड देन दे हैव चिकन राइस, मदुराई चिकन परोठा, एग डोसा, ओप्स चिकन डोसा। तो देखते हैं ये भी क्या क्या है। इन्होंने सैम्पल्स काफ़ी रेडी करके रखे हुए हैं। सो दे हैव दिस वड़ा, ये क्या है, ये क्या है, दाल वड़ा, ओके। सो दिस इज दाल वड़ा, और ये पकौड़ाज इन्होंने तैयार करे एंड सम उत्तपम्स, दिस इज डोसा, दीज आर द सैंपल्स, और यहाँ पे या दिस इज व्हाट, अच्छा दैट इज मसाला डोसा, एंड देन दे प्रिपेयर एवरीथिंग लाइव, जो आप अपने सामने देख रहे हो। शी इज मेकिंग डोसा। ये कौन सा डोसा बना रहे हो आप, कौन सा डोसा बन रहा है? ये प्लेन डोसा। सो अभी इनके पास ये सब चीज़ें हैं, एंड देन यहाँ पे ये चीज़ें जो मैं आपको दिखा रही हूँ, दिस चेट्टीनाडू चिकन राइस, मदुराई चिकन पराठा, स्पेशल चिकन डोसा, दीज आर सम स्पेशल आइटम्स जो लाइव बनती है और इनके पास अभी तैयार नहीं है, तो जब जैसे ही कोई कस्टमर आएगा देन दे विल मेक इट लाइव एंड सर्व। सो दीज पीपल आर वेरी काइंड, ये स्पेशली हमें मेरे को दिखाने के लिए दे आर मेकिंग अ डोसा ऑफ राइस फ्लावर। तो देखते हैं लाइव कैसे प्रिपरेशन हो रही है। एंड इन्होंने हमें मसाला हमारे लिए जो डोसा रेडी किया है, दे आर ऑफरिंग अस, दे वेरी वेरी स्वीट एंड लवली पीपल, एंड उन्होंने साथ में डाली है चटनी एंड चटनीज एंड सम सांबर। सो हेयर इज द लवली डोसा जो हम अभी ट्राई करेंगे और आपको रिव्यू देंगे। खाते हैं डोसा, टेस्ट करते हैं। ये मैंने डाला विथ सम सांबर एंड सम चटनी एंड वंडरफुल। जो डोसे का फ्लावर है मुझे ये बहुत अच्छा लगा, मे बी हम प्रॉपर राइस फ्लावर नहीं घर पे यूज़ करते, बट दिस इज़ अमेजिंग। सो ये यू शुड डेफिनेटली कम हियर एंड ट्राई दिस नांद्रे, दैट्स थैंक यू इन साउथ। सो अब हम खड़े हैं सिक्किम के आगे उनके आउटलेट में। ये उनका मेन्यू है जहाँ पे हैं चिकन मोमोज, चाउमीन, फाले, वेज मोमोज, चाउमीन एंड बहुत कुछ। सो यहाँ पे सिंस एवरीवन नोज कि सिक्किम के मोमोज, चिकन मोमोज आर वेरी फेमस, आई थिंक आई शुड ट्राई देम ओनली। तो इनसे लेते हैं चिकन मोमोज और ट्राई करते हैं। तो आप हमें चिकन मोमोज अभी ट्राई कराओ। हाँ जी, और ये आगे हमारे चिकन मोमोज। तो अब ट्राई करते हैं हम सिक्किम के मोमोज विद सम चटनी, जो उन्होंने कहा था बहुत डिफरेंट होती है सिक्किम की।
हाँ हाँ चिकन है, प्रॉपर मीन्स प्रॉपर कुक चिकन, इट्स वेरी डिलीशियस एंड वेरी जूसी. आपको जूसेस दिख रहे होंगे मोमो पर. इट हैज सम कोरिएंडर दिख रहा है मुझे, अनियन का टेस्ट भी आ रहा है एंड स्पाइसेस आर परफेक्ट, परफेक्टली डन. और ये चटनी एक्चुअली इज़ डिफरेंट फ्रॉम वॉट वी हैव इन दिल्ली. दिल्ली में प्रॉपर रेड वाली मिलती है टमाटोज की चटनी. सो इफ़ यू कैन सी दिस इज ऑरेंज चटनी, ये बहुत टेस्टी है. सो यू शुड डेफिनेटली कम एंड ट्राई सिक्किम के मोमोज जो वहाँ के ही फेमस हैं. सो गाइज, दिस वॉज सारा साजीविका मेला 2024 जो लगा हुआ है मार्च 4 तक नोएडा हाट में. सो आओ अब अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, सबके साथ बहुत इंजॉय करोगे. देयर इज लॉट ऑफ शॉपिंग टू बी डन, लॉट्स ऑफ फूड टू बी टेस्टेड. बहुत टेस्टी फूड आप धीरे धीरे करके आते रहो, रोज रोज कुछ करो कुछ डिफरेंट खाते रहो. एंड कीप लाइकिंग आर वीडियोज. थैंक यू फॉर गिविंग अस सो मच ऑफ लव. आप हमारी वीडियो शेयर करो विद योर फ्रेंड्स और फैमिली. एंड जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल जोड़ी ऑन कैमरा एंड हिट द बेल आइकन. सो सी यू अगेन विद द न्यू कॉन्टेंट. गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय.